जी। सारे किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। किसान भाइयों, सारे भाई अपने अपने खाते चेक करो, अपने अपने पर्स चेक करो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से कई साल पहले ये बात कही थी कि वो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। ये उनका दावा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का। तो अब 2022 भी आ गया, एक तारीख हो गई है 1 जनवरी 2022। तो आज ये पूरे देश को जानना चाहिए, और खासकर जो मोदी भक्त हैं, जो बीजेपी की अंधभक्ति में लीन हैं, जो बार बार ये बात कहते थे सोशल मीडिया पे कि 2022 तक का इंतजार क्यों नहीं करते, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। जो सरकारी और दरबारी अर्थशास्त्री ये कहते थे टेलीविजन चैनलों पे बैठ के कि 2022 तक तो आय दोगुनी हो जाएगी, तो उस समय तक का इंतजार करें किसान। जो लोग ये बात कहते थे, आज उनको सच समझना चाहिए, सच जानना चाहिए। अभी जो NSO का डाटा आया, वो डाटा ये कहता है कि 2012-13 में एक किसान के ऊपर जो एवरेज जो कर्ज था वो था 47,000 रुपए का। भारत में एक किसान के ऊपर एवरेज कर्ज 47,000 रुपए का था, और मोदी सरकार के कार्यकाल में वो कर्ज 47,000 रुपए से बढ़ के 74,000 रुपया प्रति किसान हो गया है। यानी आय तो बढ़ी नहीं, लेकिन कर्जा बढ़ गया। दूसरी बात, वही NSO का डाटा ये बात कहता है कि भारत में एक किसान की प्रतिदिन की आय एवरेज आय 27 रुपया प्रतिदिन है। क्या कोई व्यक्ति 27 रुपया प्रतिदिन की आमदनी में अपने परिवार का गुजारा चला सकता है? यह समझने वाली बात है। क्या एक किसान 27 रुपया प्रतिदिन की आय में अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकता है? क्या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की सेवा दिलवा सकता है? क्या 27 रुपए प्रतिदिन की आय में एक किसान अपने परिवार का पेट भर सकता है क्या? और NSO का डाटा यह भी कहता है कि 2012-13 के मुकाबले 2019-20 में जो किसानों की खेती से आय होती थी उसमें भी 10% की गिरावट हुई है। 2012-13 में 48% उनकी आमदनी एक किसान की खेती से होती थी, और आज वो घटके 38% रह गई है। इस सरकार के बारे में साथियों आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि जब 2014 में ये लोग सत्ता में आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दावा कर दिया कि किसानों की आत्महत्या कम हो गई है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज ने जांच करी तो पता लगा कि किसानों की आत्महत्या घटी नहीं, किसानों की आत्महत्या बढ़ गई थी। ये मोदी सरकार, इसके अधिकारी, इसके राजनेता आंकड़ों की कालाबाजारी करने में माहिर हैं, तो इन्होंने आंकड़ों की कालाबाजारी कर दी। लेकिन जब पोल खुली और पता लगा कि किसानों की आत्महत्या घटी नहीं, किसानों की आत्महत्या बढ़ गई, तो अगले साल से इन्होंने क्या किया, अगले साल से जो NCRB था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसको ये आदेश दे दिया कि आप किसानों की आत्महत्या के आंकड़े पब्लिश ही नहीं करेंगे। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि 3 सालों तक किसानों की आत्महत्या के आंकड़े पब्लिश नहीं करे गए। यानी इन्होंने किसानों की आय नहीं बढ़ाई, सरकार ने, इस सरकार ने किसानों की आय की बजाय किसानों की आत्महत्या को बढ़ाने का काम किया है। दूसरी बात साथियों, इस सरकार की करतूतें आपको जाननी चाहिए, आपने पूरे इस आंदोलन के जरिए जान लिया। 2014 में जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने सबसे पहला फैसला ये लिया था कि किसानों को मिलने वाला बोनस इन्होंने बंद कर दिया था। इन्होंने आदेश पारित किया था कि जो भी राज्य सरकार अपने किसानों को बोनस देगी उस राज्य सरकार से केंद्र की एजेंसियां अनाज नहीं खरीदेंगी। यह इनका पहला फैसला था। दूसरा, यह भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए थे किसानों की जमीन छीनने के लिए। राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, किसान आंदोलन खड़ा हो गया, तो इन्होंने भूमि अधिग्रहण वापस 3 बार इनका कोलैप्स कर गया, इनको पीछे हटना पड़ा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आदेश दिया कि भाई सेंटर से नहीं आ सका तो जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वो राज्य सरकारों के माध्यम से
वो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ला दिया जाए। जैसे अभी कुछ महीने पहले हरियाणा की विधानसभा में वो कानून पास किया गया है भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का, किसानों की जमीन छीनने के लिए। एक कानून अंग्रेजों ने 1894 में बनाया था भूमि अधिग्रहण का, उसके बाद 2013 में बना यूपीए की सरकार में, जो अंग्रेजों से थोड़ा बेहतर था। उसके बाद उसको बदलने के लिए ये 2014 में लेके आए, जो इनका बहुमत ना होने के कारण और किसान आंदोलन के चलते जो इनको पीछे हटना पड़ा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, राज्य सरकारों के माध्यम से उसकी एंट्री करा दी। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की इतनी लूट हुई, हजारों करोड़ों रुपया किसानों का प्रीमियम के तौर पे कलेक्ट किया गया। आप लगातार सालों का डाटा उठा के देख लीजिए, पहले 16,000 करोड़ रुपया कलेक्ट किया गया, किसानों को दिया गया क्लेम 900 करोड़ का, उसके बाद फिर 14,000 करोड़ का कलेक्ट किया गया, फिर दिया गया 400 करोड़ का, यानी किसानों से प्रीमियम जो कलेक्ट होता था वो लगातार बढ़ता चला गया इस सरकार के राज में, और किसानों को मिलने वाला जो क्लेम था वो लगातार कम होता चला गया। यानी फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी घोटाले की योजना साबित हुई। इस सरकार की तो हकीकत ये है, प्रधानमंत्री मोदी जिस गुजरात मॉडल का ढिंडोरा पीट के देश की सत्ता पे काबिज हुए थे, उस गुजरात सरकार ने, उस गुजरात मॉडल वाले मुख्यमंत्री ने गुजरात प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे रोक लगा दी, क्योंकि इससे किसानों को नुकसान हो रहा था और बीमा कंपनियों को लगातार फायदा हो रहा था। उसके बाद इन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, C2+50 के अनुसार फसलों का MSP देंगे, लेकिन इन्होंने कोई MSP नहीं दिया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। जब आंदोलन खड़े हुए 2017-18 में क्या किया कि A2+FL फार्मूले के अनुसार MSP की घोषणा कर दी, जबकि स्वामीनाथन आयोग बात करता है C2+50% फार्मूले की, जिसमें किसान के तमाम खर्चे जोड़े जाते हैं, जिस C2+50 में उसका खाद का खर्च, बीज का खर्च, दवाइयों का खर्च, जमीन बेशक किसान की खुद की हो उसके बावजूद जमीन का किराया, जो उसका ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, जो उसकी मशीनें हैं, एक साल में उनकी कीमत कितनी कम हुई, वो प्राइस डेप्रिसिएशन भी किसान के खर्चे में जोड़ा जाता है, उसकी फैमिली लेबर जो उसने खुद मेहनत करी अपनी जमीन पे उसका भी खर्चा जोड़ा जाता है, उसके बाद जो उसने बाहर की लेबर का इस्तेमाल किया उसका भी खर्चा जोड़ा जाता है, इरिगेशन का खर्चा जोड़ा जाता है, सारे खर्चे के ऊपर फिर ब्याज भी जोड़ा जाता है। तो प्रधानमंत्री ने C2+50 नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने घोषणा करी A2+FL के अनुसार देने की, और वो भी पूरा नहीं किया, वो भी 23 फसलों पे नहीं दिया। तो इन्होंने कुल मिला के सिर्फ जुमलेबाजी करी, कुल मिला के इन्होंने झूठ बोला, और झूठ के आधार पे इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया। ये इस सरकार की हकीकत है, कड़वी हकीकत है इस सरकार की। इन्होंने आय दोगुनी करने की बजाय किसानों की आत्महत्या दोगुनी करने की तरफ काम किया। जो ये 3 कानून लाए गए जिसके खिलाफ देश के किसानों ने ऐतिहासिक संघर्ष लड़ा, 750 से अधिक किसानों ने कुर्बानी दी, ये 3 कानून क्या थे? ये 3 कानून किसानों की जमीन छीनने की साजिश थी, और ताकि किसान की जब जमीन छिन जाएगी तो उस किसान को ये बंधुआ मजदूर बनाएंगे और अंबानी अडानी के पास बंधुआ मजदूरी करवाने की इनकी साजिश थी, और जब किसान बंधुआ मजदूरी करने पे मजबूर होता तो उसको फांसी का फंदा चूमने पे भी वो मजबूर होता। ये हकीकत है। तो इस सरकार ने आय दोगुनी करने का कोई काम नहीं किया, इसका एजेंडा क्लियर था, ये किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, ये किसानों की आत्महत्या दोगुनी करना चाहते हैं, ये देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। 1990 के दशक से जो WTO, कभी IMF, कभी गेट समझौता, कभी डंकल प्रस्ताव के नाम पे, जो ये वर्ल्ड बैंक की प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट की जो पॉलिसीज लाई गई, उन पॉलिसीज का एक ही एजेंडा है कि पूरी दुनिया के किसानों को बर्बाद किया जाए, उनको मजदूर बनाया जाए, और आज यही हो रहा है। तो साथियों, हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं, जागरूकता सबसे बड़ी ताकत है, आप जागरूक हो जाइए, आप अपने हक और अधिकारों को पहचान लीजिए, आप ये ध्यान रखिए कि इस सरकार के मंत्रियों ने शहीद किसानों की शहादत का मजाक उड़ाया, किसानों को कभी आतंकवादी तो कभी खालिस्तानी तो कभी मवाली बोला, जिसे प्रधानमंत्री स्टेज पे कहते हैं कि अन्नदाता है, उस अन्नदाता को, उस किसान को, देश का पेट भरने वाले को इन्होंने कभी आतंकवादी की संज्ञा दी तो कभी नक्सलवादी की संज्ञा दी, कभी उनकी शहादत का मजाक उड़ाया, ये इस सरकार की कड़वी हकीकत है। तो आज हमें यह समझना पड़ेगा कि ये सरकार मूल तौर पे किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, भाईचारा विरोधी और देश विरोधी है।
और ऐसी सरकार के खिलाफ, ऐसी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने की जिम्मेदारी हर किसी जिंदा जमीर वाले व्यक्ति की है जो अपने मुल्क से प्यार करता है। जब किसान आंदोलन कर रहे थे उनको आतंकवादी बोला गया, जब बैंक वाले आंदोलन कर रहे थे उनको कुछ और बोला गया, जब छात्र आंदोलन कर रहे थे उनको कुछ और बोला गया, अब डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं उनका गला पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। देश के अलग अलग कोने में जो अध्यापक जिन्होंने एग्जाम क्लियर करे लेकिन उनको नौकरी नहीं दी गई वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनको कोई और नई संज्ञा दे दी जा रही है। और जो बीजेपी के भक्त हैं वो बैठ के सोशल मीडिया पे सिर्फ ट्रोलिंग करने में रहते हैं, झूठ फैलाने में लगे रहते हैं। उनको वो शायद ये भूल गए कि यदि आज सबने मिलकर आवाज नहीं उठाई तो कल उनका भी नंबर आएगा। आज देश बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है, किसान बचाने की जिम्मेदारी, भविष्य बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। जय जवान, जय किसान। और उम्मीद करते हैं देश के तमाम किसान, मेहनतकश जो किसान हैं, मजदूर भाई, हमारा भाईचारा, हमारा पूरा देश, अगले इस साल में, इस 2022 में हम खूब मेहनत करेंगे, खूब ईमानदारी से अपने हकों और अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आंदोलन करेंगे और इस मुल्क को उन शहीदों के सपनों का मुल्क बना के रहेंगे जो सपने कभी शहीद आजम भगत सिंह, गांधी, सुखदेव, अशफाक उल्ला खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दीनबंधु छोटूराम और चौधरी चरण सिंह ने देखे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।